उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दरोगा ने हमराह दीवान से चेकिंग की बात कही तो सिपाही ने दरोगा को ही पीट दिया। चौराहे पर हंगामा काफी देर तक चला। नगर क्षेत्र के GIC चौराहे पर हुई घटना का संज्ञान लेते हुए SP ने तत्काल आरोपी सिपाही को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। लॉकडाउन को लेकर कोतवाली नगर में तैनात दरोगा रमेश चौहान की ड्यूटी नगर क्षेत्र में GIC चौराहे पर लगी हुई थी। इनके साथ हमराह फोर्स के अभियोजक कार्यालय में तैनात दीवान राम आश्रय यादव भी ड्यूटी पर थे। बता दें कि वाहन चेकिंग करते हुए दोपहर करीब 12 बजे दरोगा रमेश चौहान ने दीवान रामा आश्रय को चेकिंग के लिए कहा। आरोप है कि दीवान दरोगा की बात अनसुनी कर कुर्सी पर आराम करता रहा। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। लम्हे भर में चौराहे पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। शहर कोतवाल अंबर सिंह की माने तो सिपाही राम आश्रय यादव ने झगड़ा करते हुए दरोगा रमेश चौहान को लाठी डंडों से पीट दिया।